स्टैंडर्ड 7, उसमें एक हमने प्रीवियसली 4.1 एग्जाम्पल 4.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3n + 7 = 25। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी ये कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जितना प्लस आपको उसके साथ में दिया है उसका ना माइनस कर दो। क्या, जितना प्लस किया उतना माइनस कर दो। तो प्लस 7 है तो प्लस 7 का क्या करना है, माइनस 7। तो यहाँ पे माइनस 7 ऐड किया, यहाँ पे माइनस 7 ऐड किया, या तो 7 सब्सट्रैक्ट किया। तो जितना LHS के लेफ्ट साइड पे आप कर रहे हो वो भी आपको LHS के राइट साइड भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना 7 यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया तो 25 से भी 7 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से 7 सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट किया, तो ये प्लस 7 ये माइनस 7, तो ये तो कैंसिल। तो कितना बचा, 3n = कितना बचा, 25 - 7, तो क्या हो जाएगा, 18। तो अब n को फाइंड करना है, तो ये जो है मल्टीप्लीकेशन में सामने चला जाएगा, तो डिविजन में चला जाएगा, तो 3, तो 3 6 जा, तो n = कितनी आई, वैल्यू 6 आई। n = वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल भी कर सकते हो, 2p - 1 = 23। तो हम ओरली बता देते हैं, यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस 1 को पहले रिमूव करना है तो प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ऐड किया, देखो तो 1 ऐड किया तो दोनों साइड पे 1 चला गया, तो यहाँ पे 23 था, तो 1 ऐड करेंगे तो 24, तो p = कितना आएगा, 12 आ जाएगा। p = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी देखो एक्सरसाइज नंबर 4.2 में देखते हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 सेम वही है, क्या लिखा है देखो, x - 1 = 0, सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 को रिमूव करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो x - 1 = 0, हमको ये 1 को दूर करना है, तो क्या करेंगे, प्लस ऐड 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड किया तो 0 में भी 1 ऐड करो, तो टोटल कितना आया, 1। तो x = कितना आया आंसर, 1, क्योंकि ये 1 चला जाएगा, 0 + 1 तो 1, तो आंसर कितना आया, 1। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो y + 4 = 4 है, तो यहाँ पे 4 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे +4, तो +4 की जगह पे -4, तो यहाँ पे -4, तो -4 + 4 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, तो यहाँ पे भी -4, तो y = 0 आ जाएगा। वैसे ही एक्सरसाइज में सेकंड 3l - 42 है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये तो सामने चला जाएगा, तो किस में चला जाएगा, तो डिवीजन में। तो देखो क्या करेंगे, 3l = 42 दिया हुआ है, तो अभी ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में जाना है, तो l = कितना हो जाएगा, 42/3, तो 3 से 1, यहाँ पे भी 1 बचा है तो 4, तो l मीन्स कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। ओके वैसे ही एक दूसरा कोई एग्जांपल करवा देता हूँ सही वाला, देखो ये देखो थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, यहाँ पे f में क्या दिया है, z/3 और = 5/4, तो ये करवा देता हूँ। तो क्या है देखो, z/3 और 5/4, अभी देखो हमको क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसके पास में जो भी हो उसको दूर करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिवाइडेड में 3 है तो सामने जाएगा तो किस में चला जाएगा, तो 5/4, ये डिवीजन में है तो सामने जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसका कुछ होता है नहीं, 3 का 4 से तो कुछ नहीं होगा, तो अभी क्या करो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = कितना हो जाएगा, 15, और 15/4, तो ये हो गया आपका z, तो z कितना आया, 15/4। एक और एग्जांपल कर देते हैं, देखो जी वाला कर देते, a/5 = 7/15, फिर से a/5 = 7/15, ये है ओके, तो a/5, तो अभी ये डिवीजन में तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो a डिवीजन में से किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 7/15, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन करेगी, किसका करेंगे, 5 का। अभी देखो 5 का 15 से कुछ होता है, तो 5 × 3 = तो करो कैंसिल करो 5 से, 5 × 3 = तो 5 × 3 = तो a = कितना आया आंसर, 7/3,
ए इज इक्वल टू आंसर कितना आया 7/3। तो जी में देखो 7/3 ऐसे ही इसमें ओरल बात कर देते 20t = -10। तो सामने जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन में जाएगा तो -10/20। तो आंसर आ जाएगा -1/2। टी का आंसर क्या आएगा -1/2। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 4.2।